तो इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अपने नए वीडियो के फॉर्मेट को आपको बता दूं कि आज से हर व्लॉग के अंत में आपको 5 सवालों के आंसर दूंगा जो कि आपने पिछले व्लॉग में पूछे होंगे। पहले एक दो वीडियो में इसको ट्राई करेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। जा रहे हैं आपको ऐसी जगह दिखाने के लिए जो कि बेहद खूबसूरत है, और मेरे साथ है शशांक हिमालयन व्लॉग्स है और अंकित। तो अभी ये डेस्टिनेशन मेरे घर से लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ से गाड़ी अब मैं चलाऊंगा। रोड देखो यार आप लोग, कितनी जबरदस्त रोड है, यूं अब बिल्कुल साफ सुथरी, कहीं पर कोई गड्ढा नहीं है, भले सिंगल लेन है लेकिन काफी खूबसूरत। इधर पहाड़, आगे पहाड़, अभी ये पहाड़ तो कुछ भी नहीं है, जब हम चढ़ेंगे तब देखना आप। तो हम हेड़ा खान वाली रोड पे आ गए हैं, हम जा रहे हैं हेड़ा खान, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप रोड देख सकते हो, बिल्कुल सिंगल लेन क्या कहोगे आप इसको, सिंगल लेन से बिल्कुल छोटी, मतलब दो गाड़ियां बड़ी मुश्किल से क्रॉस हो सकती हैं यहाँ पे, और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, एहसास यहीं पर हो गया। रोड थोड़ी सी टूटी हुई है, एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो यहाँ पर पुल बन रहा है, नहीं ये लैंड स्लाइड हुई थी ना पर। और यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर दूर है हेड़ा खान, लेकिन देखने वाली चीज है। और यहाँ से पूरा हल्द्वानी शहर दिखेगा, अभी थोड़ा सा और ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। चल धन्नो, तेरी असली टेस्टिंग आज है। वाकई में बहुत चढ़ाई है यार, पहाड़ देखो आप। सेकंड गियर पूरी जान लगा दिया धन्नो ने अपनी। तो इससे पहले हमारा प्लान चल रहा था कि यहाँ पर स्कूटी से आएंगे, लेकिन परेशान हो जाते, रास्ते में धूल ज़्यादा थी और यहाँ पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा है। तो एक ब्रेक लिया हुआ हमने नीचे के नज़ारे देखने का, नीचे के नज़ारे क्या अभी तो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखो लोग इतनी ऊंचाई में आकर भी ये काम करते हैं, मरने वाले काम। तो देखो यहाँ से नीचे के नज़ारे, ये पूरी हल्द्वानी सिटी है और धुंध है थोड़ी बहुत, इसलिए आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, और नीचे जो आपको दिख रहा है रेलवे स्टेशन है। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये देखो हम अभी फिलहाल इतनी ऊंचाई पे हैं। तो एक और जगह काफ़ी अच्छी लगी, वहाँ के नज़ारे कुछ देखने लायक थे, तो यहाँ पर एक और ब्रेक लिया हुआ है हम लोगों ने।
तो चीड़ के पेड़ है यहाँ पर। चीड़ के पेड़ इस टाइम पे काफी हरे भरे हैं, देखने लायक हैं। ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। इसके आगे हम कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि सख्त मना है। लेकिन बाइक जा सकती है। क्या बाइक जा सकती है यहाँ से आगे तक मंदिर के गेट तक? तो वैसे जिस जगह पे हम आए हैं उसका नाम है हेड़ा खान, और ये मशहूर इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक आश्रम है, और आश्रम के आसपास की जो ब्यूटी है और यहाँ पर जो नदी है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, वही आपको दिखाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। इन सीढ़ियों में तो हम उतर ले रहे हैं आराम से, लेकिन जब चढ़ना पड़ेगा तब क्या हाल होगा। बहुत ही संभल के पैर रखने पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये है उत्तराखंड की सबसे अंडररेटेड और सबसे खूबसूरत जगह, जिसको मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूँ। पिछले बार जब आया था मैंने इस पानी में नहाया भी था, लेकिन इस बार कपड़े नहीं लाए। और दूसरी चीज़, यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो नहाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। देख रहे हो आप पानी की कलकलाहट। और ये है हेड़ा खान बाबा का आश्रम, जो कि
काफ़ी खूबसूरत है। हो सकता है कि अंदर फोटोग्राफी अलाव ना हो, लेकिन जितना भी है उतना दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी भी मंदिर या किसी भी आश्रम में जूते खोल के जाना पड़ता है, अच्छी बात है, है? हाँ हाँ, ले रख दो, कोई ले जाएगा तो फिर तो... कोई ले जाएगा, मैं रखे हुए है ना, कौन ले जाएगा? अब मंदिर में चोरी होगी या कैसी बात कर रहे हो? मंदिर में जूते चोरी होंगे तो इसका मतलब उसको हमसे ज्यादा जरूरत है भाई, हो सकता है। बरसातों के दिनों में जब यहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तब ये लोग करते क्या हैं, ये जो पीछे आपने मशीनरी देख रहे हो, ये एक टाइप की केबल कार है, इसमें बैठ के वायर के थ्रू इस नदी को पार करा जाता है। तो यहाँ पर देखो, पत्थरों से पानी का फ्लो रोक के यहाँ पर थोड़ा सा गहरा बनाया है नहाने के लिए। कपड़े लेकर नहीं आए, नहीं तो हम भी नहाते यहाँ पर पक्का। ये रोटी पड़ी है और एक बहुत अच्छी जगह पे हम बैठे हुए हैं, अब यहाँ से उड़ाएंगे हम ड्रोन। तो ये ड्रोन शॉट आपको कैसे लगे और ये जगह कैसी लगी आपको, कमेंट में जरूर बताना। सो अब शाम हो चुकी है, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है और यहाँ से चलते हैं। एक मैगी पॉइंट है यहाँ पर काफ़ी फेमस, वहाँ से मैगी खा के सीधे घर को निकलेंगे। ना ना, यहीं तक। तो मंदिर से तो हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे, मैगी खाएंगे। ये जो है शॉप, ये मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं। चिलवाल जनरल स्टोर। कौन सा? चिलवाल। ये फ्री का प्रमोशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाकई में अच्छी बनाते हैं और चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन ये हेड़ा खान वाले रूट पे नहीं है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा। तो मैगी वैगी खा ली, चाय चुई पी ली, अब निकलने का टाइम हो चुका है और देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। ये ब्रिज काफ़ी पसंद आया मुझे। अब सीधा यहाँ से हल्द्वानी, हल्द्वानी से सीधा घर। और से बताने का श्रेय जाता है सुशांत पांडे को, हिमालयन ब्लॉग को सब्सक्राइब भक्के। तो अब लगभग अंधेरा हो चुका है, 5:55 है, 4:55 हो रहा है, 5 बज गए लगभग। तो अब सीधे निकला जाए, 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से हल्द्वानी है आपका 35 किलोमीटर दूर, जो क्रॉस करने में लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा।
हम लोग हेड़ा खान में थोड़े से लेट हो गए और ये रास्ता जो है काफ़ी सुनसान है, यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल रही है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कोई आके रोक ले, बीच में किडनैप कर ले। यहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें भी आ रही है, काफ़ी डरावनी सी आवाज़। ये एक भी गाड़ी नहीं मिल रही है रास्ते में, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। एक चीज़ दिखाता हूँ, भले मेरी शक्ल दिखाई नहीं देगी लेकिन आपको नज़ारा ज़रूर दिखेगा। ये देखो हल्द्वानी सिटी, एक तो दिवाली की रात है और दूसरा लाइट है, देखो शहर में कितना चमचमा रहा है। तो रात के 8 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए थे, हमने इस ट्रिप को काफ़ी इंजॉय करा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि काफ़ी मेहनत थी इसमें, क्योंकि पूरे दिन भर का शूट करके आपको 15 मिनट में दिखाना ही काफ़ी मतलब चैलेंजिंग होता है कि कौन सी क्लिप सेलेक्ट करें ना करें, क्योंकि जगह ऐसी थी कि वहाँ पर हर एक चीज़ खूबसूरत थी। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। आज का पहला सवाल ये है जो कि मैंने पिछले व्लॉग से लिया है कि ड्रोन कितने में ख़रीदा भाई जी? ये जो ड्रोन है ये है DJI Spark, मैंने 42,000 रुपये में ख़रीदा। कितना मीटर ऊपर जाता है और कितना स्ट्रेट जाता है? और अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, इसकी मैक्सिमम हाइट है 120 मीटर और स्ट्रेट जाने वाली बात अगर मैं करूँ तो 800 मीटर तक ये जाता है। और कई मैंने YouTube में वीडियो दे रखी है कि इन्होंने ये जो लिमिट है ये जो है क्रैक करके उससे ऊपर या उससे दूर तक इन्होंने ये ड्रोन को उड़ाया है, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ और मेरे को ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये सारे सवाल ड्रोन से रिलेटेड ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपका ड्रोन कौन फ्लाई करता है? आपके हाथ खाली रहते हैं रविंदर सर। ड्रोन को मैं एक बार सेट करके उसको जाने देता हूँ, वो उसका जो भी एक क्विक शॉट करके उसमें एक फीचर होता है, उसमें गोल गोल घूमता है, दूर जाके आपकी वीडियो बनाता है, इस टाइप के कुछ क्विक शॉट होते हैं, उसको मैं स्टार्ट करके अपना काम करता हूँ और वो पिक्चर लेते रहता है, वीडियो लेते रहता है। और अगला सवाल है रवि भाई, गलत बात है, पलवल से होते हुए निकल गए और बताया भी नहीं, दिमाग कुछ अपसेट सा हो गया है। चौहान जी अपसेट मत होइए, और जैसे कि मैंने आपको रिप्लाई भी करा है कि कभी आइए रेवाड़ी बता के, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, DM करिए और किसी दिन एक टाइम निकालिए, उस दिन रेवाड़ी में मिलते हैं। और पलवल से होते हुए मैं आऊँगा लेकिन इस टाइम पर रात हो जाएगी तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो जाएगी मिलने की। तो अगला सवाल भी ड्रोन से रिलेटेड है, दो सवाल ड्रोन से रिलेटेड है कि उड़ाता कौन है। तो अगला सवाल है वी आर वेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ टिगोर। तो हाँ जी, ये मेरे को याद है, आप लोग बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हो कि टिगोर का लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाइए, और अभी टिगोर लगभग 27,000 किलोमीटर चल भी गई है और ये एक परफेक्ट टाइम है। तो मैं सोच रहा था कि 30,000 किलोमीटर पे एक सर्विस आती है उसकी, ऑयल चेंज वाली, उसका खर्चा भी अगर मालूम चल जाता मेरे को, और जो जो खर्चा मेरी गाड़ी में आया है और जो जो परेशानी आई है, जो जो परेशानी को मैंने सॉल्व किया, जो जो टाइम के रहते जो प्रॉब्लम्स आई है गाड़ी में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। डिटेल में मैं वीडियो बनाया जाता हूँ टिगोर का लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है कि गाड़ी के चारों तरफ कैमरा घुमा दिया और ये बता दिया ये है, ये अच्छा है ये बुरा है, डिटेल में, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपने गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। तो अगला सवाल है रवि भाई डेली व्लॉग्स बनाओ ना। देखो डेली व्लॉग्स बनाना पॉसिबल है लेकिन उसमें अपना मज़ा नहीं आएगा, ना मुझे आएगा बनाने में ना आपको आएगा देखने में, और मेरी लाइफ में कुछ इतना खास इंटरेस्टिंग होता नहीं है। जैसे कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, ये मेरी रूटीन है, और जो शाम को बचा हुआ टाइम है वीडियो बनाने में एडिट करने में चला जाता है। तो ये थे कुछ सवाल और उम्मीद है आपको आपके जवाब मिले होंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन लेने की बात कही थी मैंने, शायद 5 से ज़्यादा हो गए या 5 मैंने गिना नहीं, आप बताना कितने थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।